नमस्कार दोस्तों, राइडिंग मोटोकॉल के एक नई फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ है हीरो प्लेजर प्लस, जो कि आप लोग यहां पे देख सकते हो, और ये 2023 वाली मॉडल है। यहां पे आप लोग देख सकते हो ऑल एलईडी हेडलैम्प सेटअप दिया गया है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और मिरर को छोड़ के यहां पे आप लोग देख सकते हो जो हेडलैम्प काउल वगैरह है, जो एप्रन है, हर जगह पे क्रोम की यूज़ किया गया है, ताकि एक प्रीमियम सेगमेंट की स्कूटर लगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10 इंच का व्हील आपको यहाँ पे दिया जाता है, जो कि आता है 90/100 सेक्शन के साथ, मतलब थोड़ा ज़्यादा मोटा है, तो ग्रिप भी आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मिलेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक फ्रंट फॉक्स नहीं दिया जाता है, जो कि अगेन एक काफ़ी डिसएडवांटेज है। यहाँ पे अलॉय व्हील देखने को मिलता है, और FI की बात करें तो हीरो की हर एक बाइक में आपको अभी देखने को मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 155 mm है, जो कि मोर देन सफिशियंट है, मतलब छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर को आप आसानी से क्रॉस कर पाओगे। और सीट हाइट की बात करें तो यहाँ पे 765 mm है, जो कि दोस्तों एवरेज राइडर के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है, खास करके लेडीज़ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल बन जाता है। और यहाँ पे फुटेज वगैरह जो दिया गया है मेटलिक में होता तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ओवरऑल यहाँ पे जो क्रोम ट्रीटमेंट दिया गया है, प्लेजर प्लस की जो ब्रांडिंग वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। और यहाँ पे दोस्तों साइलेंसर के ऊपर आपको एक काउल देखने को मिलता है, जो कि खोल के रखा गया है, जो कि अगेन क्रोम में है, तो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और यहाँ पे आप लोग देखिए जो रेयर सेक्शन है पूरी तरीके से हैलोजिन दिया गया है, लेकिन जो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी है वो है यहाँ पे आपको रेयर में भी अलॉय व्हील देखने को मिलता है, साथ में आपको एडजस्टेबल स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पूरी तरीके से जो स्कूटर है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम टच दिया गया है। यहाँ पे आपको कॉम्बी ब्रेकिंग भी देखने को मिलता है, जो कि अगेन ब्रेकिंग को काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी कर देता है। और यहाँ पे आप लोग देखिए पार्ट डिजिटल और पार्ट एनालॉग में मिल जाता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि ठीक ठाक है, पहले आपको मिलता था पूरी तरीके से एनालॉग में। और यहाँ पे दोस्तों आपको बार एंड भी देखने को मिलता है, जो कि मेटलिक और क्रोम में है, और I3S वगैरह जो ट्रीटमेंट है ना, वो सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। मिरर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया दिया गया है, ग्लव बॉक्स भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दिया गया है। आप यहाँ पे फ़ोन चार्ज वगैरह कर पाओगे, तो यहाँ पे सॉकेट वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, तो बहुत ज़्यादा बढ़िया, मतलब यूटिलिटी वाला चीज़ है। अगर आप चीज़ें वगैरह कैरी करते हो, बाज़ार वगैरह जाते हो छोटा मोटा चीज़ लेने के लिए, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे मल्टी फंक्शन की आपको प्रोवाइड करा नहीं जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो सीट खोलने की जो की है ना, वो आपको पीछे दिया गया है, मतलब जो बैक रेस्ट है जहाँ पे प्लेजर प्लस की ब्रांडिंग है, जो कि प्रीमियम टच है ऑलरेडी है। और यहाँ पे दोस्तों जो की है आपको निकाल के सीट के पीछे यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी आप सीट को एक्सेस कर पाओगे या अंडर सीट स्टोरेज को एक्सेस कर पाओगे। तो अगेन दोस्तों ये मुझे उतनी ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लगी है। यहाँ पे जो चीज़ मुझे अच्छी लगी है वो है यहाँ पे आपको लाइट देखने को मिल जाता है, अगर आप रात को बूट वगैरह खोलते हो तो लाइट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको 50 km/h की तक माइलेज देखने को मिल सकता है। यहाँ पे 4.8 लीटर की फ्यूल टैंक दिया गया है, 110cc की इंजन है, और 8 bhp की मैक्स पावर आपको देखने को मिलता है। तो अगेन मतलब एक स्टार्टिंग और एंट्री लेवल सेगमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्कूटर है। होप दोस्तों वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव बाइक रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप राइडिंग।